नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी एज नहीं पता। अगर एज पता होती तो मैं काफ़ी कुछ इनके जीवन में देख पाता, बट कोई बात नहीं, एज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक इनका जो शादी का सवाल था उसमें दिक्कत आएगी, तो जब ये एज बता देंगे तो मैं इनको उसका जो आंसर रहेगा वो व्हाट्सअप पर्सनली भेज दूंगा, व्हाट्सएप पर ही। अब आपके इनके हाथ का जनरल आंसर शुरू कर दें। देखिए, आपके हाथ में सबसे पहले आपने पूछा क्या मुझे जीवन साथी के साथ अच्छा खासा रिलेशन रहेगा और कैसा मेरा भाग्योदय जीवन साथी के आने से होगा। देखिए, आपके जीवन में सबसे पहला भाग्योदय तो दूर, मैं आपके जीवन में वैवाहिक प्रॉब्लम ज़्यादा देख पा रहा हूँ। तो आपके जीवन में मैरिज लाइफ से दिक्कत आपको रहने वाली रहेगी। मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है आपके हाथ में। आपका सवाल था लव या अरेंज का। देखिए, आपके हाथ में लव के भी चांसेस हैं, अरेंज के भी चांसेस हैं, बट जो बात ज़्यादा बेस्ट रहेगी वो रहेगी अरेंज मैरिज। तो कोशिश कीजिएगा कि अपना भाग्य अगर आपका अच्छा रहेगा तो उसको अरेंज मैरिज में आपको जीवन साथी से पूरा सपोर्ट, पूरा लाभ मिलेगा। बाकी अगर अरेंज मैरिज भी होती है तब भी आपको दिक्कत रहने वाली रहेगी, क्योंकि तो मैरिज लाइफ प्रॉब्लम्स हैं आपके हाथ में। बाकी उपाय करने पर आपको इनका लाभ मिल जाएगा और जीवन में सुख शांति, मैरिज लाइफ में थोड़ी बहुत अनबन कम होना और सुख शांति होना, इस चीज़ की आपको देखने को मिलेगी अगर आप उपाय मेरे दिए उपाय डेली करते हैं। तो अभी के हिसाब से अरेंज हो लव हो, अरेंज के चांसेस ज़्यादा हैं और उसमें भी दिक्कत है। और आपकी हेल्थ वाइज भी दिक्कत दिख रही है, आपके जीवन फाइनेंशियल वाइज भी दिक्कत दिख रही है और फैमिली वाइज भी मैं दिक्कत देख पा रहा हूँ। बाकी पर्वतों पर जैसे से आऊंगा मैं डिटेल एनालिसिस करता चला जाऊंगा। देखिए सबसे पहला आपके जीवन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहने वाली है वो रहने वाली है इनडाइजेशन की। आपकी पाचन शक्ति में दिक्कत है, आपको पाचन शक्ति से दिक्कत परेशानी रह सकती है। इसी का खास ध्यान रखिएगा। जब भी आप जीवन में 30+ हो जाए, अभी तो आप हो गए होंगे शायद, मुझे आपकी एग्जैक्ट एज नहीं पता, बट 30+ नहीं, आप इसको 35+ मान सकते हैं। जब भी आप अपने जीवन में 35+ हो जाए तो बाहर का ऑयली फूड, जो कि सात्विक भोजन नहीं होता, जो कि ऑयली फूड होता है, बाहर का ठंडा गर्म, इस तरह की चीज़ें छोड़ दीजिएगा। आपको जीवन में इनडाइजेशन की समस्या, पाचन शक्ति की समस्या आने वाली रहेगी। खाना जल्दी ना पचवाना, लीवर प्रॉब्लम्स, ये समस्या रहेगी आपको अपने जीवन में, इसी का खास ध्यान रखिएगा। बाकी आपको समस्या ना आए इसके लिए मैंने आपको पहले ही एक एडवाइस दे दी है, एक सजेशन दे दिया है, इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ शुक्र के हिस्से पर रेखाओं का जाल बन रहा है। ये रेखाओं का जाल व्यक्ति को नेगेटिव थिंकिंग देने वाला रहता है। पारिवारिक समस्या भी रहती है। ऐसे व्यक्ति की आदत होती है कि ऐसे व्यक्ति हमेशा परफेक्शन ढूंढता है और परफेक्शन ना मिलने की वजह से व्यक्ति को समस्या आती है। तो ये चीज़ आपके जीवन में रहने वाली, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपके हाथ में आपके मंगल की ओर जाएंगे तो मंगल पर सीधी खड़ी रेखा है। मंगल पर जब सीधी खड़ी रेखा होती है ये आपको प्रॉपर्टी डीलिंग से लाभ देने वाली रहती है, बट इसमें भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखिए, मंगल की सीधी खड़ी रेखा है, बट ये देखिए कितनी बार ये रेखाओं से कट रही है। जब मंगल की सीधी खड़ी रेखा इस प्रकार रेखाओं से कटने लग जाए तो ये व्यक्ति को जीवन में काफ़ी सारी समस्या देने वाली रहती है। क्या समस्या है कि देखिए, इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति के जीवन में बुढ़ापे के अंदर कमर की समस्या और घुटनों की समस्या रहती है। घुटनों में दर्द होना, कमर से झुककर चलना, बैतला कर चलना और बहुत सारी समस्याओं का ये कारक बनती है। तो इसके जो उपाय रहेंगे वो मैं आपको देने वाला दूंगा। उपाय अगर आप रेगुलर करते हैं, डेली करते हैं, तो आपको लाभ मिल जाएगा। बाकी जीवन में थोड़ी बहुत डेली लाइफ प्रॉब्लम्स देने वाली रहती है। और देखिए, जीवन रेखा में भी अच्छा दम नहीं देख पा रहा हूँ, जीवन रेखा बहुत मोटी है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अपनी भाग्य रेखा देखिए कितनी पतली है, मस्तिष्क रेखा कितनी पतली है, हृदय रेखा में दिक्कत है। देखिए, जो रेखा जितनी पतली सुंदर होती है उतना अच्छा होता है। ये पतली है, यहाँ पर भी ये देखिए ये रेखा कितनी फैल रही है, और जीवन रेखा तो अति ही फैल रही है। देखिए, इसमें कहीं से आपको पतलापन दिख रहा है, ये आपको बहुत मोटी दिख रही होगी। तो ऐसा लग रहा होगा कि मेहंदी लगा के किसी ने फैला दिया हो, जैसे मेहंदी फैल जाती है ऐसी आपकी जीवन रेखा। और ये देखिए, ये अंत तक है, ये जीवन रेखा में इतना कोई अच्छी स्टेबिलिटी नहीं देख पा रहा हूँ। और मोटी जीवन रेखा पर भी राहु रेखा काट काट कर जा रही है। एक तो ये जीवन रेखा है ही अनस्टेबल, और अनस्टेबल जीवन रेखा पर राहु रेखाओं ने भी काट दिया है। तो मान सकते हैं जले पर नमक छिड़कने वाली बात ये हो रही है। मंगल और राहु दोनों ही मारक अवस्था में, इनके उपाय करना आपको जरूरी हो जाएगा, वरना आपके जीवन में दिक्कत परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली रहेगी। बाकी यहाँ पर अगर देख पा रहा हूँ जो गुरु का क्षेत्र यहाँ से हल्का सा दबा हुआ है तो मैरिज लाइफ में दिक्कत परेशानी क्रिएट करने वाला रहता है। इसी भी खड़ी रेखा महत्वाकांक्षी बनाती है। महत्वाकांक्षी होता है अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बड़ी मेहनत करने से भी नहीं चूकता, इसी आपकी गुरु पर द्वारा देख पा रहा हूँ। बाकी ये रेखा भी तो मल्टीपल सोर्सेस से इनकम जाएगी आपके घर में। पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी जैसे मिस्ट्री शास्त्रों का ध्यान भी जाने वाला रहेगा इस रेखा की वजह से। शनि पर ये रेखा, ये देखो, ये रेखा व्यक्ति को पढ़ा में भाग्योदय, सुख शांति, एक अच्छा दूसरों के काम आने वाला नेचर और संतान द्वारा पूरी सेवा देने वाली रहती है। घर में एक्स्ट्रा जितना भी लोहा पड़ा है जो कि किसी काम का नहीं है उसको निकाल कर फेंक दीजिए, तो आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। सूर्य पर बहुत छोटी सूर्य रेखा है। देखिए, सूर्य रेखा कम से कम इतनी बड़ी तो होनी चाहिए थी, नहीं इतनी बड़ी, लेकिन आपके हाथ में केवल ये यहीं तक है। ये आपकी सूर्य रेखा यहाँ से शुरू हुई,
और यहीं पर ख़त्म हो गई, शुरू होते ही ख़त्म हो गई। सूर्य रेखा देखेंगे बहुत छोटी है, तो सूर्यदेव आपके हाथ में न्यूट्रल बैठे हुए हैं। देखिए न्यूट्रल मतलब क्या होता है, कुछ ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं, कुछ ग्रह न्यूट्रल हो जाते हैं, बुरा प्रभाव देने वाले होते हैं। आपके हाथ में सूर्य ग्रह बिल्कुल न्यूट्रल है, ना तो अच्छा प्रभाव दे रहे हैं ना ही बुरा प्रभाव दे रहे हैं, तो मान सकते हैं इसको बिलो एवरेज कहा जाएगा। ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सूर्यदेव के उपाय करने पर सूर्यदेव जागेंगे और आपको जीवन में बड़ा मान सम्मान, अच्छी दान दक्षिणा, दौलत शौलत आपको सब कुछ मिलने वाला रहेगा सूर्यदेव के उपाय करकर, तभी आपको जीवन में भाग्योदय होने वाला रहेगा। बाकी अगर इसको छोड़ दिया जाए तो फिर दिक्कत है आपके हाथ में। सूर्यदेव भी अच्छी अवस्था में नहीं है। सूर्यदेव को दिल चढ़ाकर फिर अपने पिताजी की सेवा करकर, देखिए इसमें पिताजी की सेवा बहुत अहम हो जाती है। व्यक्ति जितना अपने पिता की सेवा करता है उतना लाभ मिलता है। ऐसा ना हो कि कमाने के चक्कर में या फिर पैसा कमाने के लिए अपना करियर बनाने के लिए पिता से दूर हो जाए, घर छोड़कर दूर चले जाएं या फिर पिता से दूर रहें, वरना आपके जीवन में सूर्यदेव और आपको नेगेटिव प्रभाव देना स्टार्ट कर देंगे। अभी न्यूट्रल है तो पिता की सेवा जितनी ज़्यादा होती है वो करिए। पिता को अगर पेट का जवाब दिया तो सूर्यदेव नेगेटिव हो जाएंगे। पिता से अगर अनबन हुई, लड़ाई झगड़े हुए तो भी सूर्यदेव नेगेटिव हो जाएंगे। पिता की पूर्ण सेवा, पिता के सामने झुक कर रहना, पिता का आशीर्वाद लेते रहना, हमेशा सुबह सुबह उठकर पिताजी के पैर छूना और रात को पिताजी के पैर दबाना, ये अगर कार्य करते तो सूर्यदेव इतने पॉजिटिव हो जाएंगे, इतने पॉजिटिव हो जाएंगे, इतना अच्छा लाभ देंगे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जीवन में इकलौते ही रहेंगे, आपको करोड़पति बना देंगे अगर पिताजी की सेवा करते हैं तो। यहाँ पर देख पा रहा हूँ बुध पर्वत भी अच्छे हैं, बट कोई सीधी खड़ी रेखा नहीं है, तो मध्यम सुंदरता, मध्यम वाणी और मध्यम और मल्टीपल लैंग्वेज की जानकारी रेखा देने वाली रहती है। धनुष का रेखा हल्की सी नहीं बन रही है, तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी छूट सकती है आपके जीवन में, तो जब भी इन्वेस्टमेंट करने के मौके हैं तो अपॉर्चुनिटी छोड़िए करें। मंगल पर आड़ी रेखाएं एक कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगवा देती है, पुलिस स्टेशन चक्कर भी लगवा देती है, लड़ाई झगड़े भी करवा देती है, तो इसी वक्त समझ रहिएगा गुप्त शत्रु हानि कर सकते हैं। इस तरह के भी योग हैं आपके हाथ में। चंद्र आपके हाथ में काफी मजबूत है। देखिए जो समस्या में बताइए, अगर आप महादेव की शरण में जाते हैं, महादेव की भक्ति करते हैं, तो फिर कोई समस्या नहीं आने वाली रहेगी। जो समस्या रहेगी सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। बाकी चंद्र भी देखिए, आपने सुना ही होगा कि चंद्र देवता महादेव के मस्तक पर विराजमान रहते हैं, तो जितना भी आप भगवान महादेव की भक्ति करते हैं उतना आपको बहुत लाभ मिलेगा। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ पिंकी फिंगर आपकी ये सूर्य की उंगली के पहले पर्व तक पहुँच गई है, तो इन्वेस्टमेंट से फायदा मिलेगा। जितना भी जब भी जहाँ भी जिस प्रकार भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि तो इन्वेस्टिंग से आपको फायदा मिलने वाला रहेगा। बाकी बिजनेस भी आप कर सकते हैं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस से लाभ मिलेगा आपको अपने जीवन में। यहाँ पर अगर देखेंगे जो सूर्य की उंगली छोटी है तो ये व्यक्ति के अंदर ईगो प्रॉब्लम देती है, व्यक्ति ईगोस्टिक होता है, ईगो के द्वारा अपना नुकसान कर बैठता है। तो ध्यान रखिएगा ईगो प्रॉब्लम आपके जीवन में काफी रह सकती है, ईगो से आप नुकसान भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए ये कॉम्बिनेशन जब आपके हाथ में पाया जाएगा तो इससे हम मान सकते हैं कि आपका नेचर जो रहेगा जिम्मेदारी भरा रहेगा, जिम्मेदारी पूर्ण रहेगा, जिसमें जिसकी भी जैसी भी जिम्मेदारी आएगी निभाने में सक्षम रहेंगे। ये वाली उंगली हल्की सी घूमी हुई है, जब ये उंगली घूम जाती है, मैं दिखाता हूँ गुरु की उंगली इस प्रकार घूम गई है, तो व्यक्ति धार्मिक होता है। जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिकता चरम सीमा पर चली जाएगी, बुढ़ापे में आप परम धार्मिक होने वाले रहेंगे। मस्तिष्क रेखा में काफी दिक्कत है, हेल्थ इश्यूज ज्यादा देख पा रहा हूँ आपके हाथ में, तो हेल्थ इश्यू से थोड़ा सतर्क रहिएगा। आपके जीवन में थोड़ा सेहत से परेशान रह सकते हैं। मित्रों और रिश्तेदारों को बड़ा पैसे देने से बचिएगा, वो पैसा पूरा वापस न लौट कराने के भी संकेत रहेंगे। किसी को भी बड़ा पैसा मत दीजिएगा, उसमें आपको दिक्कत रहने वाली रहेगी। बाकी इमोशनल हर्ट रह सकता है, किसी से भी ओवर एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा। ओवर एक्सपेक्टेशन आपने जहां जहां जिसको भी दिखाई वहां आपको नुकसान होने वाला रहेगा। मस्तिष्क रेखा फिर झुक गई है, तो धार्मिकता आपको जीवन भर रहेगी और धार्मिक बनेंगे आप, 100% धार्मिक बनेंगे। बुढ़ापे में धार्मिकता चरम सीमा पर रहेगी क्योंकि मस्तिष्क का भी बैंड हो रही है, दूसरा संकेत आपके हाथ में धार्मिकता का। बाकी मस्तिष्क का सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जीवन में जितना आप लॉजिक लगाएंगे उतना आपको सफलता मिलेगी। बड़ी बड़ी समस्याओं को अपने दिमाग के स्तर पर ही आप सफल करने में सक्षम रहेंगे। मान सकते हैं कि जीवन भर जहाँ जहाँ लॉजिक लगाएंगे वहाँ बड़ी समस्याओं से आप पार पा लेंगे। बाकी मस्तिष्क का उत्तम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीवन में स्ट्रेस तो आ सकता है क्योंकि देखिए यहाँ पर द्वीप बन रहे हैं, ये द्वीप बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, नीचे को ट्रायंगल बने, तो स्ट्रेस, परेशानी, डिप्रेशन, चिंता ये रहने वाली रहेगी। बट ओवरऑल देखिए किसी भी रेखा को से टकरा कर मस्तिष्क रेखा रुकी नहीं है, ये आगे बढ़ती चली गई है। तो इतना तो मैं मान सकता हूँ कि अगर परेशानी आई तो जल्दी खत्म हो जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी। बट ये आपका जो नेचर रहेगा योद्धा सवाल रहेगा, समस्या अगर आप 100 भी आ गई तो आप 100 समस्या से लड़ने में सक्षम रहेंगे। आपके जीवन जो भाग्योदय होगा वो होगा लगभग 50 वर्ष के बाद में ही, क्योंकि यहाँ पर ही ऑफ शूट निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं जैसे एक पेड़ से टहनी निकलती है, वैसे आपके जीवन में जीवन रेखा से टहनी निकल रही है, देखिए। लेकिन ये पहले तो ही निकली, यहाँ पर निकली 2-3, लेकिन रेखाओं द्वारा कट चुकी हैं, यहाँ पर भी निकल रही हैं, तो मान सकते हैं, अरे यहाँ पर भी हैं, बस बीच में ही गायब हैं, यहाँ पर गायब हैं। तो मान सकते हैं कि एक जो समय आएगा 50 वर्ष के बाद वो बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि देखिए जितनी टहनियाँ निकली हैं सबसे लंबी टहनी ये वाली है, ये बिल्कुल पूरी शनि पर्वत तक पहुँची है,
आप देख लीजिए, यहाँ से चलिए इस प्रकार से, और ये पूरी पार करती हुई रेखाओं से कटती फिटती भी अंत तक पहुँच गई है। तो 50 वर्ष के आसपास या 55 वर्ष के बीच में ही, इसी किसी पीरियड में ही आपको रेंटल इनकम से लाभ होगा। कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ से रेंट आया करेगा आपका, वो चीज़ है आपके हाथ में। बाकी आपके हाथ में मनी ट्रायंगल बनता बनता रह गया है, जब मनी ट्रायंगल बनता बनता रह जाए, ये देखिए यहाँ पर ये हल्का सा हल्का पड़ गया है, तो कहीं ना कहीं पैसा अच्छा कमाएंगे, पैसा कमाने सक्षम रहेंगे। बट मान सकते हैं कि आपको अपने जीवन में पैसे से रिलेटेड, पैसा बचने से रिलेटेड दिक्कत रहेगी। तो पैसा जितना बचाने की कोशिश करेंगे, पैसा उतना ज़्यादा खर्च होता जाएगा आपके जीवन में। तो मैंने आपके पाम कंसेस पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सलूजा मिल गए होंगे। मुझे आपको उपाय किसके दिन देंगे? सबसे ज़्यादा मारक राहु रेखाओं के, दबे हुए शनि पर्वत के, जहाँ पर जीवन रेखा के और हृदय रेखा के चार दिक्कत हाथ में बड़ी हैं। लड़ाई झगड़े से बचिएगा, वैवाहिक जीवन में दिक्कत आएगी, 100% दिक्कत आएगी, पारिवारिक समस्या भी रहेंगी, पाचन शक्ति से जुड़ी समस्या रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सुबह सुबह घूमने जाया कीजिए, ऑयली फूड शुगर कोटेड फूड छोड़ दीजिए, वजन मत बढ़ने दीजिए, उसे कहते तो जिम भी जाइए। ये एडवाइस मेरी तरफ से रहेगी, बाकी उपाय रेगुलर करने रहेंगे हमेशा, 1 साल 2 साल नहीं, 10-15 साल हमेशा करने रहेंगे। उपाय ज़्यादा खर्चे वाले नहीं होते, उपाय मेरे ऐसे होते हैं कि आप कर सकते हैं। कोई जादू टोना टोटका हवन यज्ञ कोई उल्टा सीधा काम नहीं होता, सिंपल से और साधारण से उपाय होते हैं, तो वो अगर करते रहेंगे तो लाभ मिलने वाला रहेगा। बाकी इसके बाद भी कोई डॉक्टर कोई रह जाए तो आप उसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।